हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय, माय नेम इज कंचन एंड आई डू पोस्ट वीडियोस रिलेटेड मेकअप एंड फैशन। सो टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट रक्षाबंधन मेकअप लुक। कल रक्षाबंधन है तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करूँ आप लोगों के लिए। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैं मिनिमल प्रोडक्ट का यूज़ करूँगी और ये जो मेकअप लुक है ये नो फाउंडेशन मेकअप लुक होने वाला है। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तब भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेकअप को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले स्किन केयर करना है और स्किन केयर और हेयर केयर के रिगार्डिंग मेरी एक YouTube वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मैं ऑलरेडी अपने स्किन को प्रेप कर चुकी हूँ। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Maybelline Fit Me का प्राइमर। प्राइमर आपके स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देता है और आपके मेकअप के लिए स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका मेकअप जो है वो ईजिली ब्लेंड हो सके। हमेशा प्राइमर को अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करना है। प्राइमर के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट। इस कंसीलर में मैं ये शेड यूज़ करूँगी अपने अंडर आई एरिया को करेक्ट करने के लिए। मैंने अपने अंडर आई एरिया और पिगमेंटेड एरिया को कवर कर लिया है और अब मैं यूज़ करूँगी पैक का कंसीलर। और अब सेम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से कंसीलर को भी अपने स्किन पर ब्लेंड करना है। मैंने अपने अंडर आई एरिया और पिगमेंटरी एरिया को कंसील कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँगी फेस ब्यूटी का कंसीलर एज अ हाइलाइटर कंसीलर। ये कंसीलर मेरी स्किन टोन से एक दो शेड लाइटर है तो इसलिए मैं इसको एज अ हाइलाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। सेम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इस कंसीलर को भी डैब डैब मोशन में अपनी पूरी स्किन में ब्लेंड करूंगी। कंसीलर को अप्लाई करने के बाद मैं कंसीलर एरिया को पैक कर दूंगी और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर। और आप लूज पाउडर की हेल्प से भी अपने कंसीलर एरिया को पैक कर सकते हैं। मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने कंसीलर एरिया को पैक कर दिया है ताकि वो क्रीज ना करें और मेरा मेकअप केके ना लगे। एंड नाउ फॉर द ब्लश एंड कॉन्टोर, आई एम यूजिंग फ्रिज ब्यूटी का प्रो ब्लश हाईलाइटिंग पैलेट। आपने मुझे देखा होगा मैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट स्विस ब्यूटी के यूज़ करती हूँ क्योंकि स्विस ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, प्लस उसके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं। अगर आप अपने लिए लो बजट मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आप स्विस ब्यूटी से परचेज कर सकते हैं। इस पैलेट में मैं ये शेड यूज़ करने वाली हूँ एज अ ब्लश और ये शेड एज अ कॉन्टोर। ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं कॉन्टोर करूँगी। मैंने सिर्फ एक डैब किया है और इसका कलर पे ऑफ देखिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं स्विस ब्यूटी। अब मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने नोज कंट्रोल करूँगी। सो कंट्रोल हो चुका है और अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शेड। सेम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं ब्लश भी अप्लाई करूँगी। ब्लश को मैं थोड़ा सेटल ही रखूँगी क्योंकि मैं पिंक कुर्ता पहनने वाली हूँ और उसके साथ एक ग्रीन दुपट्टा है। ये जो कुर्ता सेट है ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है। अगर आपने मेरी मीशो की हॉल नहीं देखी है तो जल्दी से आके आप मेरा मीशो हॉल देखिए, वहाँ पे बहुत सारे कुर्ता सेट्स हैं और आगे फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो वो वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। इसलिए जो मेरा आई शेडो लुक है वो भी पिंक रहेगा, तो आई शेडो भी पिंक, ब्लश भी पिंक, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा। इसलिए जो ब्लश है उसको मैं थोड़ा सा सटल रख रही हूँ। एंड नाउ फॉर द आई शेडो, आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शेडो पैलेट। जो स्विस ब्यूटी के आई शेडोज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आई शेडो है। इनका जो कलर पे ऑफ है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, हाई पिगमेंटेड इसके कलर्स मिलेंगे आपको। और इस पैलेट में मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पिंक शेड प्लस ये ग्रीन शेड क्योंकि मेरा जो दुपट्टा है वो ग्रीन है और जो मेरा जो कुर्ता है वो पिंक है। सबसे पहले मैं लूँगी ये पिंक शेड एक फ्लफी ब्रश लेके। मैं अपनी क्रीज एरिया को डिफाइन कर रही हूँ।
अब मैं एक डेंस ब्रश ले रही हूँ, इसकी हेल्प से मैं ये ग्रीन शेडो अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। और अब मैं ये गोल्डन शेड को अपने मिड आईलिड में अप्लाई करूँगी। जैसे हमने अपर आईलिड में शेडो अप्लाई किया वैसे सेम हमें लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करना है। इनर कॉर्नर के साथ हम ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे और आउटर कॉर्नर में हम पिंक कलर अप्लाई करेंगे। ये आई लुक कम्प्लीट हो गया। अब मैं ऑफ कैमरा जाके ये आई लुक कम्प्लीट करके आती हूँ। ऑफ कैमरा जाके मैंने ये आईज भी कम्प्लीट कर लिया है। तो अब बारी आती है आईब्रोज की। आईब्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल। इस पेंसिल में स्पूली भी है, प्लस आपको यहाँ पे मिलेगी आईब्रो पेंसिल। स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को कॉम कर लूँगी। आईब्रोज को मैंने फिल कर दिया है। और अब बारी आती है आईलाइनर और मस्कारा की। उससे पहले मैं अपने मेकअप को फिक्स कर दूंगी, क्योंकि आईलाइनर और मस्कारा की को अप्लाई करने के बाद मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं तो वो फैल जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा पहले अपने मेकअप को फिक्स कर देती हूँ, उसके बाद मैं आईलाइनर और मस्कारा यूज़ करती हूँ। तो अब हम मेकअप को फिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का मेकअप फिक्सर। एंड नाउ फॉर द आईलाइनर आई एम यूजिंग इनसाइड का वाटरप्रूफ आईलाइनर। एंड नाउ फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन कोलोसल मस्कारा। नाउ आई हैव अप्लाइड मस्कारा ऑल्सो। एंड नाउ फॉर द हाईलाइटर आई एम यूजिंग सेम स्विस ब्यूटी का पैलेट। इस पैलेट में मैं ये सिल्वर हाईलाइटर यूज करूंगी। इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं हाइलाइटर को अप्लाई करूंगी। और मैं सेम हाइलाइटर अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई करूंगी। अब मैं ऑफ कैमरा जाके फॉल्स लैशेस वेयर करके आती हूँ। सो मैंने फॉल्स लैशेस वेयर कर ली हैं। और लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ नायका की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 07 गोट। सो फाइनली दिस लुक इज कम्प्लीट नाउ। और अब मैं इयर रिंग्स और दुपट्टा वेयर करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। सो फाइनली दिस लुक इज कम्प्लीट नाउ। आई होप आपको मेरा लुक पसंद आया हो और रक्षाबंधन के लिए ये लुक आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। रक्षाबंधन या फिर किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए ये लुक काफ़ी अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, ताकि रक्षाबंधन और कोई भी फेस्टिव सीजन में वो ये लुक को क्रिएट कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।